हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शौकीन रूफिंग इंडिया में। दोस्तों हम आपके लिए फिर से एक शेड लेकर आए 100 फीट बाई 100 फीट का। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना शेड। सो गाइस, हमारे अभी पिलर रेडी हो रहे हैं, जैसे कैमरामैन मेरे राइट में दिखाएंगे। दोस्तों हमारे जो पिलर हैं रेडी हो रहे हैं, इस पर प्लेट लग रही है, मैं आपको अपने बैक साइड में लेके चलूंगा। दोस्तों अभी हमारे पिलर खड़े करने हमने स्टार्ट कर दी हैं, जैसे कैमरामैन थोड़े नज़दीक आएंगे। और मेरे राइट से लेके पूरी हमारी सारी प्लेट ग्राउट हो चुकी हैं और हमारे पिलर साइज के रेडी कर दिए हमने। एक बार में हम सारे पिलर रेडी कर लें और उसके बाद हम सारे पिलर जो है खड़े करने स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही फ्रंट पे आपको दिखाऊंगा मैं, हमारा सेंटर पोल भी हमने खड़ा कर दिया है। और जैसे ही हमारे साइड पिलर सारे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम साइड की पटलिंग लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको मैं दिखाता हूँ, जो हम ट्रस्ट ऊपर रखेंगे। हमारे डैडी आए हैं बहुत दिनों बाद साइड पे, अभी साइड की विजिट के लिए, हमारा काम देखने के लिए कि काम लड़के कैसा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। सो गाइस, जैसे ही आपको मेरे बैक में नजर आ रहा होगा, दोस्तों हमारी सारी रूफिंग शीट आ चुकी है। जैसे ही कैमरामैन आपको सारा मटेरियल दिखाएंगे कुछ नज़दीक आकर। सो दोस्तों अभी हमने अपनी शेड की राइट साइड से वर्टिकल शीट लगानी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों हमने डबल कलर में शीट मंगाई है, ग्रीन और ऑफ वाइट। जैसे ही मैं कुछ जो हम कंट्रास्ट बना रहे हैं, मैं आपको बाहर की तरफ से दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे ही आपको डबल कलर नज़र आ रहे हैं, हमने ग्रीन और ऑफ वाइट का शेड लिया है और अभी हम ऐसी डबल कंट्रास्ट लगाएंगे। दोस्तों हम इसकी रूफ भी, जो हम इसकी छत लगाएंगे, वो भी हम डबल कलर में लगाएंगे। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस, फाइनली हमारा शेड कंप्लीट हो चुका है, जैसे ही देखेंगे आप मेरे बैक में। दोस्तों अभी कैमरामैन कुछ नज़दीक आएंगे अंदर। ये फाइनली पूरा शेड कम्प्लीट हो चुका है, मैंने आपको बताया था 100 फुट बाई 100 फुट। सो गाइस, जैसे ही फाइनली हमारी एंट्री होती है, ये दोस्तों हमने डबल पल्ले में बड़ा एक गेट बनाया है। तो कैमरामैन जैसे ही अंदर आगे, कुछ आपको अंदर की तरफ से शेड दिखाना चाहेंगे। दोस्तों आपको मेरे राइट में 2 विंडो और लेफ्ट में 2 विंडो नज़र आ रही होंगी। दोस्तों हमने इसमें 4 विंडो दी हैं, कुछ कैमरामैन और अंदर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। रूफ पे हमने 4 टर्बो वेंटिलेटर फैन भी लगाए हैं और सामने बैक साइड में आपको एक सामने गेट नज़र आ रहा होगा। आइए मैं आपको गेट की तरफ ले चलता हूँ। सो दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ शेड में, बैक साइड में पीछे की तरफ, जो आपको बैक का गेट आपको नजर आएगा। दोस्तों ये पीछे का पोर्शन है और कुछ मैं आपको पीछे की साइड से भी आपको शेड दिखाना चाहता हूँ। सो गाइज, मैं शेड को आपको बैक के पीछे की तरफ से दिखाना चाहूंगा। दोस्तों पूरा शेड देखिए, फुल शेड हमारा फाइनल है। और जैसे ही कैमरामैन दिखाएंगे, दोस्तों राइट से, लेफ्ट से, फ्रंट से, टॉप से, कॉर्नर फ्लैशिंग कटर डबल कंट्रास्ट में बनाया है, ग्रीन ऑफ वाइट कलर में। दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर शेड बनाया है और काफ़ी मजबूत और गारंटेड शेड है सर। सो गाइस, फाइनली हमारा शेड कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी 7 वाली बिल्डिंग में आया हूँ अपने शेड की टॉप रूफ दिखाने के लिए। दोस्तों जैसे ही कैमरामैन आपको शेड दिखाएंगे, हमने रूफ पे भी डबल कलर शीट लगाई है 2 कलर में, जैसे सेम नीचे कंट्रास्ट है, ऊपर भी सेम कंट्रास्ट लिया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा, और हमने इसमें 4 टर्बो वेंट फैन भी लगाए हैं, जो अंदर सफोकेशन ना बने और सनलाइट पूरी आए। बहुत ही अच्छा दोस्तों लुक आया है,